सोशल मीडिया पर ये दो तस्वीरें काफी शेयर की जा रही हैं। भाजपा कार्यकर्ता अरुण यादव ने ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूल में बच्चों को ऐसा मिड डे मील दिया जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि अगर दिल्ली में किसी स्कूल में ऐसा खाना दिया जाता तो इंटरनेशनल अखबारों में इसकी सुर्खियां होती। भाजपा से जुड़े वकील आशुतोष दुबे ने भी ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विज्ञापन देना नहीं जानते। ये तस्वीरें ऐसे ही दावे के साथ सुदर्शन न्यूज से जुड़े सागर कुमार ने ट्वीट की। तो वहीं जी न्यूज के पत्रकार शिवम प्रताप, भाजपा दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा, पत्रकार श्वेता नेगी और भाजपा कार्यकर्ता प्रखर वाजपेयी ने भी ये तस्वीरें ट्वीट की है। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने छानबीन की तो पाया कि तस्वीरों के साथ किया गया दावा भ्रामक और प्रोपोगेंडा से भरपूर है। तस्वीरों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने उत्तर प्रदेश मिड डे मील अथॉरिटी की वेबसाइट चेक की। वहां पर मिड डे मील के अंतर्गत हफ्ते में मिलने वाले खाने का मेन्यू मिला। इसमें पनीर की सब्जी, आइसक्रीम, मिल्क शेक के बारे में कुछ नहीं लिखा है। हालांकि ये सारी चीजें तस्वीरों में दिख रही थाली में मौजूद है। आगे तलाश जारी रखते हुए कीवर्ड सर्च करने पर हमें यूपी तक की 9 स्लाइड्स वाली स्टोरी मिली। ये जालौन के मलकपुरा में स्थित उच्च प्राथमिक मध्य विद्यालय की तस्वीरें है। मलकपुरा के ग्राम प्रधान अमित ने यूपी तक को बताया कि इस तरह का स्पेशल मेन्यू महीने में 2 से 3 बार स्टूडेंट्स को दिया जाता है और इसके लिए ज्यादातर चीजों की व्यवस्था ग्राम प्रधान की ओर से की जाती है और क्राउड फंडिंग का सहारा भी लिया जाता है। हमने मलकपुरा के ग्राम प्रधान अमित से बात की। उन्होंने बताया कि मिड डे मील के कॉन्सेप्ट के पीछे 2 घोषित और अघोषित उद्देश्य थे, जिसमें पहला लक्ष्य ग्रामीण बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करना था, वहीं दूसरे उद्देश्य में भोजन से बच्चों में स्कूल के प्रति आकर्षण पैदा करना। उन्होंने मिड डे मील को अपडेट कर एड ऑन मिड डे मील बनाया। इसके तहत पहले से निर्धारित मेन्यू में और भी चीजें ऐड की गई, जैसे महीने में कम से कम 1 दिन पनीर की सब्जी, हर रोज सलाद देना, महीने में 1 या 2 दिन मिठाई, 2 बार सेब और दूध की निर्धारित मात्रा देना, जिसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए मिल्कशेक बनाकर देना। भारत सरकार की वेबसाइट प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अबाउट सेक्शन में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह किसी स्पेशल मौके पर बच्चों को स्पेशल खाना दे सकता है। ये कॉन्सेप्ट 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया था। वायरल तस्वीर को लेकर अमित ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि ये तस्वीरें 31 अगस्त की है। कानपुर के कैनरा बैंक में ब्रांच मैनेजर सौरभ ने जन्मदिन के मौके पर बच्चों को भोजन करवाया था। अमित ने इस मौके की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट भी की थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बच्चे सौरभ को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। यानी भाजपा सदस्यों और राइट विंग यूजर्स द्वारा शेयर की गई ये तस्वीरें असल में ग्राम प्रधान अमित द्वारा की गई पहल और जन सहयोग के कारण स्कूल के बच्चों को मिले स्पेशल खाने की है।